तो हम कल रेडियोएक्टिविटी को ऑलमोस्ट फिनिश कर रहे थे, और इसमें आखिरी मैंने एक प्रोसेस का नाम आपको बताया था पॉइंट्स टू पॉन्डर से, क्या नाम दिया था? एनहिलेशन, सेवंथ पॉइंट था आपका, तो हम उसी को कंफर्म करते हैं वही। ठीक है, जिसको जो भी डाउट हो वो भी अपने पूछ लेना बीच में। पहले हम एनहिलेशन पे आते हैं ताकि रेडियोएक्टिविटी वाला काम फिनिश हो। स्पेलिंग देख लेना, आई कहाँ आता है पानी। एनिलेशन का मतलब है कि मास खत्म होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मतलब है एनिलेशन का। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये उसका एंटी पार्टिकल है जिसको नाम दिया था हमने पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों मिले हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। इसका नंबर होता है -10 एंड इसका नंबर होता है 10। ठीक है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी मैं बोल रहा हूँ E1 है, और इधर वाले की काइनेटिक एनर्जी है E2। और ये दोनों मिलके ना क्या फॉर्म करेंगे, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। देखो -1 +1 0 एंड 0 0, ऊपर भी 0 नीचे 0 ऊपर 0, ये तो फोटोन होते हैं। तो यहां पे 2 गामा फोटॉन्स सपोज इन्होंने बनाए, तो इसमें कैसे आप एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे, किस तरह से हम एनर्जी की इक्वेशन लिखेंगे? बिकॉज ये फोटोन को मतलब एक लाइट बनी है, ये लाइट बनी है जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी न्यू या कुछ वेवलेंथ होगी लैम्डा। तो मैं एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखूं यहां पे? देखो, बाई एनर्जी कंजर्वेशन, और इस एनर्जी कंजर्वेशन में आपने इंक्लूड की है कौन सी एनर्जी? मास एनर्जी। इस एनर्जी कंजर्वेशन में आप मास एनर्जी इंक्लूड करके चल रहे हो। तो देखो, इसकी रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी तो होगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर, ये होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हमने क्या लिखी यहां पे E1 प्लस इसकी रेस्ट मास एनर्जी। अब पॉजिट्रॉन का मास भी उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी? ME × c² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हमने क्या बोला है? E2। ये तो इनकी टोटल एनर्जी होगी इधर की साइड की। अब मैं उधर की साइड चलता हूं, तो उधर मान लो आपको 2 गामा फोटॉन्स मिले और फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू। तो एक की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू, और तो कुछ है ही नहीं उधर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एच न्यू। ये इसकी एनर्जी इक्वेशन बनती है, और इस प्रोसेस को एनिलेशन बोल देते हैं। इससे अपोजिट प्रोसेस होती है पेयर प्रोडक्शन, वो हम यहां नहीं पढ़ रहे हैं। उसमें पेयर जनरेट होगा, यहां पेयर खत्म हो रहा है। ठीक है, ये नोट कर दो उसमें एनिलेशन में।
चलें ये आया ना समझ एनिहिलेशन क्या होती है। अब मैं न्यूक्लियाई वाले चैप्टर के लास्ट पार्ट पे चलता हूं। हमारा मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई पार्ट पूरा होगा फिजन और फ्यूजन के बाद, उसके बाद लास्ट पार्ट बचेगा एक्सरे, देन हमारी मॉडर्न कंप्लीट होगी। उसके पैरेलल उधर वो चल ही रहा है अपना काम, है ना। अब हम आखिरी पार्ट पे जिस पे आए हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। वैसे तो रेडियोएक्टिव रिएक्शन भी न्यूक्लियर रिएक्शंस ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, रेडियोएक्टिव रिएक्शंस अपने आप होती है, आपको बाहर से कुछ करना नहीं पड़ता। मतलब रिएक्टेंट अनस्टेबल है जो कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में पहले से एक स्टेबल प्रोडक्ट होगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के उससे कोई नया स्टेबल प्रोडक्ट बनाया जाएगा। ये क्या होती है आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो नेक्स्ट हेडिंग आप ये डाल लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस किस फॉर्म की होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, ये कुछ इस फॉर्म की होती है। देखो जैसे एक जनरल सी नोटेशन दी जाती है, ये कोई एक न्यूक्लियस है, दिस इज ए स्टेबल न्यूक्लियस, इसको टारगेट न्यूक्लियस ही बोल देते हैं। दिस इज ए स्टेबल टारगेट न्यूक्लियस, इस पे कोई एक पार्टिकल आके टकराता है, इस पार्टिकल को नाम दिया जाता है प्रोजेक्टाइल। एक जनरल सी नोटेशंस होती है न्यूक्लियर रिएक्शंस की, वो मैं यहां लिख रहा हूं। एक पार्टिकल आया जिसको नाम दिया प्रोजेक्टाइल, एक स्टेबल टारगेट न्यूक्लियस के आके टकराया। इससे पहले तो बीच में हम अपनी सुविधा के लिए बना लेते हैं एक कंपाउंड न्यूक्लियस, उसको सी से डिनोट कर दिया, ये अनस्टेबल होता है। यह हमने बनाया, दिस इज द कंपाउंड न्यूक्लियस, और फाइनली इस कंपाउंड न्यूक्लियस से बनता है फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट जिसको हम नाम दे रहे हैं बी। और अक्सर एक पार्टिकल रिलीज हो जाता है जिसको नाम दे दिया हमने स्मॉल बी। तो ये जनरल फॉर्मेट है, पहले आप लिख लो। न्यूक्लियर रिएक्शन इस फॉर्म में दिखाई जाती है, इस तरह से बनाई जाती है। गुड मॉर्निंग सर। इसको हम बोल दिया करते हैं, इसको हम बोल दिया करते हैं प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ये फाइनल पार्टिकल है, एक पार्टिकल जो आपको लास्ट में मिला होगा, ये एक फाइनल पार्टिकल है जो लास्ट में आपको मिला होगा। इसमें मेन बात यह है, ये भी स्टेबल था और ये भी स्टेबल है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी इक्वेशन आप बना सकते हैं, जैसे ये जो आपने अभी लिखी है इक्वेशन, इससे फिजिक्स की कंजर्वेशन इक्वेशन कौन कौन सी बन सकती है। सबसे पहली इक्वेशन तो होती है कि सबके नीचे नीचे वालों का सम बराबर होना चाहिए, इधर और इधर, यानी कि वो तो क्या है एटोमिक नंबर। दूसरी इक्वेशन, ऊपर वाले सम बराबर होने चाहिए, वो क्या है मास नंबर। तो एक तो नीचे नीचे के एटॉमिक नंबर का सम बराबर होना चाहिए, एक ऊपर ऊपर सभी के इधर और उधर मास नंबर का सम बराबर होना चाहिए। एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगती है जिसमें हम मास एनर्जी को भी इंक्लूड करते हैं, अभी मैंने दिखाया एनिहिलेशन रिएक्शन में। इसके अलावा जरूरत पड़े तो मोमेंटम कंजर्वेशन और उनका भी सहारा लिया जा सकता है। तो यहाँ पे इसके साथ आप ये लिख दीजिए जनरल इक्वेशन, कि जो जनरल इक्वेशंस यहां पे जो वैलिड होगी वो पहली इक्वेशन नंबर वन, कंजर्वेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा इस चीज को आप कैसे मेंशन करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कैसे मेंशन करेंगे कि भाई इधर का जो नीचे नीचे का जेड है उनका सम बराबर बीच वाले का बराबर इधर वाले का, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो समेशन जेड है, समझ गए इसका मतलब, समेशन जेड मतलब ये एटॉमिक नंबर का जो सम होगा वो क्या रहना है पूरी रिएक्शन के दौरान कॉन्स्टेंट। तो ये आपकी पहली पहली इक्वेशन है। जो सेकेंड इक्वेशन हमारी होगी वो होगी कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोस, नंबर दो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोस। उसमें क्या होगा, क्या चीज, नंबर ऑफ न्यूक्लियोन मतलब मास नंबर। तो बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन लिख दो, समेशन ए इज कांस्टेंट, समेशन मीन सिग्मा ए, ए होता है मास नंबर और जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर। अभी रिएक्शन लेंगे तो उनमें हम सीखेंगे कि कैसे अप्लाई हो रहा है। ये दो चीजें तो वहां पे लिख पाना आसान होता है, तीसरी चीज जो अभी मैंने एनिलेशन में दिखाई वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग मास एनर्जी, ये ब्रैकेट में जरूर डालना। अब इसको कैसे लिखना है सुनो, इसमें कंपाउंड न्यूक्लियस को हम नहीं देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से हम लिखेंगे देखिए। मान लीजिए इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, m3 छोड़ो ये नहीं, इसका मास है m3 और इसका मास है कितना m4, ठीक है, चाहे तो दोबारा बनानी पड़े दोबारा बना देंगे, लेकिन सुनो इसकी कुछ एनर्जी है e1 बिफोर रिएक्शन, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी कुछ एनर्जी है e2 एनर्जी की डायरेक्शन नहीं होती ना, तो वैसे मतलब चलता हुआ दिखा रहा हूं कि चल रहे, इसकी कुछ एनर्जी मान ली हमने e3 एंड इसकी कुछ एनर्जी मान ली क्या e4। ये जो e1 e2 e3 एंड e4 इनको हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप बताओ मास एनर्जी इक्वेशन क्या बनेगी यहां पे, इसको और उसको देखना है और एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, पहले इस पे आते हैं, इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी, इस पहले वाले की जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो कितनी होगी m1 into c square, पहले वाले की जो रेस्ट मास एनर्जी होगी दैट विल बी m1 into c square प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी e1 प्लस इसकी रेस्ट मास एनर्जी m2 into c square प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी e2, बराबर उधर चलो इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी m3 into c square प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी e3 प्लस m4 into c square एंड प्लस क्या होगा e4। ये लिख दो ढंग से, एनर्जी कंजर्वेशन इंक्लूडिंग मास एनर्जी, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। और आप क्या इक्वेशन लिखनी आ गई आप लोगों को, किस तरह से लिखी, अब इसमें एक काम करेंगे, इन जनरल अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो हम जानते हैं कि डेल्टा एम पॉजिटिव होता है उसका, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा और मास ऑफ प्रोडक्ट कम होगा और हम उसे डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते रहे। तो आप इसी क्वेश्चन में मास को इधर एडजस्ट करो, एनर्जी को उधर ले जाओ और उससे डेल्टा एम बनाओ, क्या बन रहा है, इसी इक्वेशन में मास वाली टर्म इस साइड ले आओ, एनर्जी वाली टर्म उस साइड ले जाओ और सी स्क्वायर कॉमन ले लो और फिर देखो कि डेल्टा एम क्या बना क्या नहीं बना।
अगर मैं इन सबको इधर उठा लू और सी स्क्वायर कॉमन ले लू तो ये बनता है m1 प्लस m2 माइनस m3 प्लस m4 और इंटू सी स्क्वायर बराबर उधर बना e3 प्लस e4 माइनस e1 प्लस e2 ये बना। क्या मैं इसको डेल्टा m लिख सकता हूं? दिस इज द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो आपने इसको लिखा डेल्टा m जो हम पहले लिखते हैं इनटू c स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा है ना समझ क्या बनाएंगे? और ये क्या होता है डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, जिसको हम सिंबल क्या दिया करते थे, कैपिटल क्यू। पीछे भी हमने रेडियोएक्टिविटी के टाइम में निकाला है कैपिटल क्यू डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो यहां पे ये बनेगा, इसी को आप कैपिटल क्यू लिख दो तो आपका ये आ गया कि दिस इंप्लाइज कैपिटल क्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट। पीछे जो आपने रेडियोएक्टिव रिएक्शंस पढ़ी उनमें कैपिटल क्यू केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट के बराबर आ रहा था। जैसे अल्फा डीके हमने पढ़ा लास्ट टाइम भी बताया था कि जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो प्रोडक्ट दो में बटेगी एक लाइन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग फिक्स रेशियो में। लेकिन वहां पे क्या था, रिएक्टेंट आराम से रेस्ट पे बैठा रहता था और अपने आप डीके होता था। परंतु यहाँ रिएक्टेंट रेस्ट पे नहीं है, यहाँ पहले से हमें क्या करवाना पड़ रहा है, उनको चलाना पड़ रहा है तब जाके कोई रिएक्शन हो पाएगी। तो न्यूक्लियर ये वाली जो रिएक्शन है और जो रेडियोएक्टिव रिएक्शन है उनमें एक डिफरेंस समझ आ गया। वहां जो मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी रिलीज होगी वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के रूप में आती है, और यहां जो एनर्जी रिलीज होगी ये आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? अब आप डायरेक्ट ये याद रखो और नहीं तो मास इक्वेशन से इस तरह से बन भी जाता है एनर्जी इक्वेशन से। इसके अलावा तो और इक्वेशंस और तो कई होती हैं, तो जैसे जनरल प्रिंसिपल्स वो मैं लिखाऊंगा नहीं यहाँ पे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। जो ज्यादा हमारे यूज होगा ना वो ये वाली चीजें हैं जो हम यूज करें। कई तीन बातें समझ आ गई, जिसमें पहले दो तो आसान थे, नीचे वाले नंबर ऊपर वाले नंबर, और मेन बात है ये एनर्जी वाली। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं एक दो सिंपल एग्जाम्पल, फिर हम फ्यूजन फ्यूजन की तरफ चलेंगे। पहला एग्जाम्पल आप लीजिए एनपी रिएक्शन, कभी पहले भी बता रखा है एनपी रिएक्शन और नाइट्रोजन। देखिए क्या हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एनपी रिएक्शन और नाइट्रोजन न्यूक्लियस। मान लो ये करना है, क्या पीछे पढ़ी थी हमने ये इक्वेशन, लिखो आप अपने आप लिखो ये इक्वेशन अगर आपने पढ़ रखी है तो। भाई आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये लाइन मेंशन थी जहाँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी, वहाँ कि न्यूट्रॉन जो है वो पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन को निकलवा सकता है किसी स्टेबल न्यूक्लियस से बम्बार्ड करवा के, और वहीं पे रिएक्शन बताई थी। लिखनी आती है, देखो एन पहले तो मैं नाइट्रोजन लिखता हूँ, नाइट्रोजन 740 ये न्यूट्रॉन जाके टकराता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के नंबर होते हैं 0 और 1। पहले बना दो कंपाउंड न्यूक्लियस, इससे आसान हो जाएगा। देखो 7 प्लस 0 ये वो नीचे वाला अलग सम ऊपर वाला अलग सम, n ये n के साथ नंबर तो 7 है इसलिए n ही है, और ऊपर कितना हो गया
15 और ये अनस्टेबल होगा, ये कंपाउंड न्यूक्लियस है। अब आएंगे फाइनल प्रोडक्ट। अब देखो P मतलब प्रोटॉन एमिट करना है, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, वो हमें एमिट करवाना है। तो बचा क्या नीचे, वही नंबर सेम होना चाहिए 7, एक ये गया तो कितना बचा 6, और 6 नंबर किसका होता है कार्बन का, और ऊपर भी एक गया तो 14, तो ये आपको मिला। ये हमने एक एग्जांपल लिया इसका न्यूक्लियर रिएक्शन का। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, ये क्लियर हो गया ना सभी को, ये वाला एनपी रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल लिखिए, नाम लिखिए फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। अब इसमें बताता हूं क्या होगा। दूसरा जो हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज फोटो डिसइंटीग्रेशन, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन डाल के थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोटोन, सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाला फोटोन किसका होता है गामा रे, आपका जो ईएम स्पेक्ट्रम है उसमें मैक्सिमम एनर्जी वाला गामा रे फोटोन होता है। तो हमने क्या किया, एक गामा रे फोटोन डाला, अब किसी न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर दें, जैसे सपोज मैं लू 1H2, 1H2 किसका न्यूक्लियस होता है, किसका, ड्यूटेरियम, ड्यूट्रॉन बोल देते हैं इसे, ड्यूट्रॉन। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं 1H2 के अंदर, 1H2 के अंदर क्या क्या होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो उनको अलग अलग कर देना, उनको अलग अलग कर देना, प्रोटॉन के नंबर 11 और न्यूट्रॉन के नंबर 01, इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। ये स्टेबल था लेकिन गामा रे ने आके इसको इस तरह से तोड़ा, ये लिख दो फोटो डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। अब सपोज जैसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको एनर्जी इक्वेशन लिख के दिखानी है, और मुझे ये दिया गया कि भाई ये जो है ना ये रेस्ट पे था, ये दिया गया, तो इसकी एनर्जी इक्वेशन क्या बनेगी, इसका मास एम डी मान लो न्यूट्रॉन, इसका मास एम पी मान लो, इसका मास एम एन मान लो, इसकी आप एनर्जी इक्वेशन लिखिए जो हमने सीखी है कि किस तरह से वो इक्वेशन लिखी जाएगी। देखिए गामा रे की एनर्जी वो तो हम क्या लिख सकते हैं एच न्यू बस, और कुछ नहीं, ये केवल रेस्ट पे है तो इसमें केवल मास एनर्जी आएगी, मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू सी स्क्वायर बराबर इधर की एनर्जी। देखो हमने पहले जेड इक्वेट कर लिए, फिर ऊपर ये इक्वेट कर लिए, फोटोन के 00 नंबर होते हैं तो दो काम तो कर ही लिए, तीसरा काम हम देख रहे हैं एनर्जी इक्वेशन बना रहे हैं। इसकी एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी कितनी m प्रोटॉन इनटू c स्क्वायर, लेकिन साथ में कुछ आई होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कुछ मास डिफेक्ट अगर हुआ है तो वही तो कन्वर्ट होना है इसमें, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, आप इसको इवन भी लिख सकते हैं कैसे भी लिखा हो आपने, और प्लस ये क्या बनेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू c स्क्वायर और प्लस काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन। अच्छा ये इक्वेशन तो हर जगह आप बना सकते हो, आपने रेडियोएक्टिव रिएक्शंस पढ़ी, उनको हमने इस तरह नहीं देखा, उनको हमने सीधा देखा E बराबर ना सॉरी पहले आपने डेल्टा एम निकाल लिया और फिर उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हुई वो सीधा कर दिया डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर, तो आता तो यही से है इस तरीके से। तो क्या हमें एनर्जी इक्वेशन बनानी आ गई इनमें, ठीक है। ये मैंने आपको आइडिया दिया कि जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। अब इसके अंदर बेसिकली हमें दो न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़नी है, ये तो एक कितनी भी बना सकते हो आप, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इस न्यूक्लियाई वाले चैप्टर का लास्ट पार्ट है।
देन उसके बाद फिर एक्सरे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालना एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस। एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस अगली हेडिंग है ये। देखिए हमने कभी बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा था विथ मास नंबर, जो बाइंडिंग एनर्जी ईबीएन बोला था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन। मैं एग्जैक्ट शेप पे अभी नहीं जा रहा हूं, हमें पता है यहां वो कर्व डाउन था, बीच में वो कर्व ऊपर गया एंड देन बाद में वो फिर दोबारा से डाउन है। यूं तो कई पीक पॉइंट हो गए, वो उन पे नहीं जा रहे हम, जो चीज अभी समझना चाह रहे हैं उस पे चलते हैं। अगर आप ईबीएन ज्यादा करवाते हो तो वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है और उससे और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ईबीएन ज्यादा होने पे ज्यादा स्टेबल होगा, एनर्जी और रिलीज होगी। तो देखिए मान लो मैं यहां से दो चीजों को पहुंचाऊं यहां तक, और एक बार मैं यहां से दो चीजों को इधर उठा के लाऊं, एक प्रोसेस ये है और एक प्रोसेस ये है, तो दोनों में आप स्टेबिलिटी अचीव कर रहे हो। इसका मतलब दोनों तरीके से आप न्यूक्लियस से एनर्जी निकाल सकते हो और काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी यहां से रिलीज होती है। पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, तो शुरुआत हम यहीं से दोबारा करते हैं। ये कर्व इसी तरह बनाओ, सिंपल सिंपल इसी तरह से, ज्यादा वो एग्जैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों बातें एक एक करके हम मेंशन करें कि ये है क्या। नंबर वन, ये जो आपने वन दिखाया है ये वाला पार्ट, पहला नंबर वन आप लिखें, एनर्जी मे बी ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग ए हैवी न्यूक्लियस into two nuclei of middle weight। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है वो इसके ब्रैकेट में लिख देंगे, कौन सी प्रोसेस है। तो इसके ब्रैकेट में आपने जो भी लाइन लिखी है उसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। और दूसरा तरीका नंबर दो, एनर्जी मे बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू लाइट वेट न्यूक्लियाई, टू फॉर्म अ मिडल वेट न्यूक्लियस, टू फॉर्म अ मिडल वेट न्यूक्लियस। और इसके ब्रैकेट में आप लिख दोगे न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके ब्रैकेट में आप लिख देना न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के टाइम हमने इस तरह की चीजें पढ़ी थी, ये जो भी पार्ट है बिल्कुल ऐसा ही। फ्यूजन फ्यूजन हम अलग अलग अभी करते हैं स्टार्टिंग से। एक क्वेश्चन मैं इस तरह का एक सवाल ले रहा हूं बिल्कुल इसी पे, आपको एक डायग्राम दिया गया है,
इधर तो लिखा है EBN, EBN मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इधर दिया गया है A, A मतलब मास नंबर, ठीक है। और ग्राफ सिंपली ये दिखा रखा है, ये आपका ग्राफ है, और यहां पे इस पॉइंट को नाम दिया गया है D, ऊपर कोई पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है C, देन थोड़ा नीचे B एंड देन थोड़ा नीचे A। ये एक ग्राफ आप बना लीजिए इस सवाल में। अब क्वेश्चन ये है, एक लाइन का सवाल है, एनर्जी विल बी रिलीज इन द प्रोसेस, लिखो एनर्जी विल बी रिलीज इन द प्रोसेस। अब चार ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ये सी फॉर्मिंग 2D, दूसरा ऑप्शन है ए फॉर्मिंग सी प्लस डी, ए फॉर्मिंग सी प्लस डी, तीसरा ऑप्शन है ए फॉर्मिंग 2C, एंड चौथा ऑप्शन है बी फॉर्मिंग सी प्लस डी। देखो सी फॉर्मिंग 2D में ग्राफ नीचे आ रहा है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो कि अनस्टेबिलिटी की तरफ, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ए फॉर्मिंग सी प्लस डी, इसमें एक ऊपर जा रहा है और एक, तो हम श्योर नहीं कि क्या होगा, समझ गए हो, एक तो ऊपर जा रहा है, एक थोड़ा ज्यादा स्टेबल बन रहा है लेकिन एक कम स्टेबल भी बन रहा है, तो एक का काम है एनर्जी रिलीज करवाना लेकिन दूसरे का काम है एनर्जी गेन करना, तो इसमें हम श्योरली नहीं कह सकते क्या है। ए फॉर्मिंग 2C दोनों ही कहां गए हैं, ऊपर गए हैं ना, ए से सी और सी बना, यानी कि इसमें तो एनर्जी रिलीज होगी होगी। एंड बी फॉर्मिंग सी प्लस डी में फिर दोबारा वही बात है, एक भी प्रोडक्ट नीचे आ रहा है तो हम कह नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका मतलब जो कंफर्म है वो कौन सा आंसर है, 2C, ए फॉर्मिंग 2C। आप बताओ ये समझ आया, मतलब कैसे न्यूक्लियर एनर्जी कर्व के ऊपर ये सवाल आ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारी पहली प्रोसेस है दैट इज न्यूक्लियर फिजन, आखिरी दो टॉपिक न्यूक्लियर के, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे न्यूक्लियर फिजन। दरअसल फर्मी एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी रिएक्शन का पता लगाया था। देखो न्यूट्रॉन की खोज तो की थी चैडविक ने, लेकिन उसका यूज बम्बार्डमेंट वगैरह करवाने ये सब आगे काफी यूज हुआ, और लगभग वर्ल्ड वॉर के आसपास, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसके आसपास इन चीजों की खोज हुई है, तभी एटम बम और उनका यूज भी हो गया था इस तरह से। तो फर्मी ने एक चीज पता लगाई कि न्यूट्रॉन अगर आप यूरेनियम के टक्कर मारते हो तो उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन साथ में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है बाय दिस रिएक्शन, फ्यूजन वाले रिएक्शन, ठीक है। लिखो एक लाइन लिखिए स्टार्टिंग में, फर्मी फाउंड दैट व्हेन न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड विद हैवी एलिमेंट्स, रेडिएक्टिव कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, विद द रिलीज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी उनके साथ रिलीज हो रही थी। अब देखिए ये एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, सपोज U92 235 ये हमने लिया,
इसके साथ एक न्यूट्रॉन आके टकराता है। अभी इसकी और डिटेल में हम चलेंगे कि कैसा न्यूट्रॉन टकराना है, क्या होने क्या नहीं। इसके साथ एक न्यूट्रॉन आके टकराता है और सबसे पहले कंपाउंड स्टेट आएगी बीच वाली स्टेट, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक डंबल टाइप स्ट्रक्चर देखे, देखो ये वो ए हो गया, ये वो पार्टिकल ए हो गया हमारा, इस तरह से दिखाया था। बीच में क्या बनाया था, क्या दिखाया था, सी, बीच में सी बनाया था, ठीक है। इसके बाद आगे जो रिलीज होने थे ये तो प्रोडक्ट और साथ में कुछ पार्टिकल। अब ये एक एक जरूरी नहीं है, एक एक यू बी और बी कितने भी हो सकते हैं। इससे क्या होगा, दो मिडल वेट न्यूक्लियस मिलेंगे और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। दो मिडल वेट न्यूक्लियस मिलेंगे और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ये आपके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और ये जो है दिस इज इंटरमीडिएट सिचुएशन, ये एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है। अब मैं यहां पे टर्म लिखूं अगर इनके साथ, मास एनर्जी, मास एनर्जी एक नई टर्म हम यूज कर रहे हैं, वही एम इंटू सी स्क्वायर। पहला ये है, सपोज इसकी मास एनर्जी, अब ये ई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ई क्या ले रहे हम, मास एनर्जी। इस इंटरमीडिएट वाले की जो मास एनर्जी है सपोज वो है ई टू, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं इनकी जो मास एनर्जी है वो मैंने बोल दिया ई थ्री। आप एक बात का जवाब दो, फाइनल प्रोडक्ट्स की मास एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगी या कम होगी, क्यों, मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, कौन सी एनर्जी, मास एनर्जी। मास एनर्जी होती है डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। अगर आपने कहा कि फाइनल की ज्यादा होगी तो इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स का मास ज्यादा है और इनिशियल का मास कम है, तो ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही नहीं होगी, मतलब हो ही नहीं पाएगी आगे चल के। इसका मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना है, मास एनर्जी वर्ड आए तो उस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले से उल्टा है, ठीक है। अगर आप स्टेबिलिटी देखते हो, स्टेबिलिटी देखने का मतलब है कि मास एनर्जी कम हो रही है या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो रही है, क्या डिफरेंस समझ आ गया। स्टेबिलिटी देखने का मतलब है कि मास एनर्जी तो कम हो रही है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो रही है, तो अगर आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो इसका यह मतलब है कि ई वन तो बड़ा था और ई थ्री क्या होगा, छोटा होगा। ये मास एनर्जी जैसी चीज है ना कि बाइंडिंग एनर्जी, ई वन इज ग्रेटर देन ई थ्री। और अगर मैं इस चीज को भी ग्राफिकली दिखाऊं, ये जो मैंने यहां बताया एनर्जी वाली सेंस में एक नई टर्म हमने डिफाइन कर दी मास एनर्जी, जो पीछे वर्क करते हैं एमसी स्क्वायर। देखो अगर आप इस चीज को ग्राफिकली कहीं दिखाना चाहें तो क्वेश्चन में अगर मास एनर्जी वर्ड आ गया बाइंडिंग एनर्जी की जगह मास एनर्जी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये कोई मास नंबर नहीं ले रहा हूं, ये कुछ नहीं ले रहा हूं मैं, तो एक बस वैसे एक लाइन लिखाई है कि मास एनर्जी कितनी, पहले मैं ले रहा हूं ये, इसकी मास एनर्जी ज्यादा है या उनकी मास एनर्जी ज्यादा है, इसकी मास एनर्जी ज्यादा है। तो देखो एक ये ग्राफ नहीं है, ये तो एक बस वैसी लाइन लगाई है, पहले मैं दिखा रहा हूं कि
ये मास एनर्जी है यूरेनियम की, ये तो है इनिशियल जिसको आपने क्या नाम दिया है रिएक्टेंट न्यूक्लियस, ठीक है। जो फाइनल मास एनर्जी मिलेगी, ऐसे मत बनाओ आप साथ साथ, पहले देख लो, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए इसको, जो फाइनल मास एनर्जी मिलेगी, जो दो ये बने होंगे, डेफिनेटली वो क्या मिलनी, कब मिलनी, हमने इसको E1 बोला था और इसको E3 बोला था, अगर ये कम नहीं होगा तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है, मैं कह रहा हूं अभी भी मत बनाओ साथ साथ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगी एनर्जी रिलीज। तो अगर मैं एनर्जी रिलीज की बात करूं तो एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा, E1 - E3। लेकिन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, एक आश्चर्यजनक सी बात यह है कि उसकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा। ये जो बीच में हमने बनाया, मैं इसको थोड़ा और ऊपर करूं, भाई ये आपका चल रहा है इधर एक्सिस, मास एनर्जी वाला एक्सिस, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था, जिसको आप ये डंबल शेप में दिखा रहे हैं, तो मैं यही दिखा देता हूं, ये था आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो यहां पे जो एनर्जी है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और इसको हमने बीच में, अगर मैं नाम दूं E2, अभी पीछे मैंने मिटा दिया, इसको E3 बोला था जब पहले, या E2 E3 बोला, बीच वाले को मैं E2 बोलता हूं। तो एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि बीच में मास एनर्जी बढ़ रही है एंड उसके बाद मास एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये कौन सी एनर्जी है, मास एनर्जी। रिएक्शन तब हो पाएगी जब फाइनल प्रोडक्ट्स की मास एनर्जी कम हो, अगर बाइंडिंग एनर्जी होती तो फाइनल प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियस की मास एनर्जी बढ़ रही है, अब ये पता नहीं कैसे पॉसिबल हो पाया होगा, लेकिन ऐसा होता है। आप बना लो, ये कोई एक्सिस नहीं है इधर, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि ये बीच में हमने माना इंटरमीडिएट, एंड ये आपका बन गया प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट इंटरमीडिएट देन प्रोडक्ट, इस तरह से है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि ये रिएक्शन हो नहीं सकती, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती, ये बीच में ऊपर जा रहा है तो बीच में अनस्टेबल चीज कैसे बनेगी, मास जनरेट कहां से होगा, क्लासिकल फिजिक्स समझा ही नहीं पाती ये चीज। ये ना ऐसे आप यूं देखो, जैसे कोई बॉल रखी है, आराम से कोई बॉल रखी है ग्राउंड पे, और आगे सीधा स्लोप होता, पहले लिख लो मैं उसके बाद बताता हूं कि ये क्या है क्या नहीं। अजी डिफरेंस समझ आ रहा है ना मास एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में सभी को, वो कर्व उल्टे है, ये कर्व बिल्कुल अपोजिट है उससे। देखो मास एनर्जी जो कर्व है वो इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे एक सिंपल ग्राउंड है, फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, उस पर कोई बॉल रखी है, स्टेबल है वो, आराम से रखी है, आगे स्लोप है सीधी, तो मैं अगर पीछे से उसको कोई पत्थर फेंक के मारूं तो चांसेस है ना कि वो निकल लेगा और आगे लुढ़क जाएगा और चल पड़ेगा। लेकिन उस स्लोप से पहले अगर बीच में कोई पहाड़ आ रहा है, कोई ऊंचाई आ रही है, तो मैं अगर पत्थर फेंक के मारूंगा तो चांसेस निल है कि वो ऊपर भी जाए और फिर निकल ले वहां से। तो क्लासिकल तो कहती है कि ये रिएक्शन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी, मास एनर्जी ज्यादा है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कुछ भी हो सकता है, अल्फा डिके ऐसे ही हुआ था,
हमने क्वांटम टनलिंग नाम की प्रोसेस पढ़ी थी कि इतनी एनर्जी ना होने के बावजूद भी आप क्रॉस कर गए, तो यहां पे ये चीज मेंशन कर देना, ये मास एनर्जी कर्व आ गया होगा समझ में, ठीक है। लिखिए मैं जो बोल रहा हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू इस कर्व के लिए हम लिख रहे हैं लाइन, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स कोमा, इफ द फाइनल स्टेट, if the final state has lesser mass energy, if the final state has lesser mass energy then the initial state, then the initial state comma, there is a chance that the process will take place, there is a chance that the process will take place even if the intermediate state, even if the intermediate state has more energy, चाहे intermediate state की energy ज्यादा हो फिर भी ये प्रोसेस होगा। ठीक है, ये मास एनर्जी वाला ग्राफ आ गया है समझ में। मैं फिर से कहता हूं कि क्वेश्चन में ये ध्यान देना, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है या मास एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है तो फाइनल प्रोडक्ट ऊपर होना चाहिए, याद होगी या नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है तो फाइनल प्रोडक्ट ऊपर होना चाहिए और मास एनर्जी का ग्राफ है तो फाइनल प्रोडक्ट नीचे होना चाहिए, बीच में चाहे कहीं भी जा रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक आया समझ? अब हम इनकी रिएक्शंस पे चलते हैं कि जो फ्यूजन की जो रिएक्शन है वो क्या है। एक बार आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिए जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, मेरी वाली बुक में पेज नंबर मैं बोल देता हूं 452 पे है, ये सेम है क्या पेज नंबर, शायद आप देख लो, आपके में कुछ अलग भी हो सकता है नई किताबों में, देखो बल्कि इससे पहले न्यूक्लियर एनर्जी है, एक बार वहां आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी अपनी बुक खोल लीजिए और उसमें देखिए न्यूक्लियर एनर्जी वाला टॉपिक, ये शुरुआत हो रही है ईबीएन से, हमने भी वहीं से शुरुआत की थी और इस पे मैंने एक सवाल ना पहले ही करवा दिया था आपको, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, एक बार करवाया गया था कि एक की इस जगह एनर्जी 7.6 है, इस जगह 8.5 है, 220 थे कि 210 थे, नियरली इक्वल मास नंबर में टूटे हैं, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमने वो कर रखा वो न्यूमेरिकल, आज जो लिया वो क्वालिटेटिव लिया, क्वांटिटेटिव नहीं, ए फॉर्मिंग टू सी, बी फॉर्मिंग ए प्लस सी, ये सब। तो हमने ये चीजें जो इसने इस पैराग्राफ में समझाई वो तो हमने पढ़ी ली। अब इससे नीचे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल और पेट्रोलियम, देखो क्या डिफरेंस है न्यूक्लियर सोर्स और इनमें, इन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल और पेट्रोलियम एनर्जी इज रिलीज थ्रू केमिकल रिएक्शन, उनमें न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उनमें बाहर के इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है और वो जो एनर्जी रिलीज होगी दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्यों, क्योंकि उनसे ना केमिकल बाइंडिंग एनर्जी में फर्क आता है और केमिकल बाइंडिंग एनर्जी होती ही इस रेंज की है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की। एज वी हैव सीन द एनर्जी इन्वॉल्वड इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस आर मिलियन टाइम्स, मिलियन मतलब मेगा, 10^6 मिलियन टाइम लार्जर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, दिस मीन्स दैट फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर न्यूक्लियर सोर्सेज विल गिव अ मिलियन टाइम्स लार्जर एनर्जी देन कन्वेंशनल सोर्सेज। 1 किलोग्राम ऑफ कोल, में अभी ये लाइन या तो लिखवा भी दूंगा अलग से सवाल बनवा के, 1 किलोग्राम ऑफ कोल ऑन बर्निंग गिव्स 10^7 जूल ऑफ एनर्जी, वेर एज 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम ऑन फ्यूजन गिव्स 10^14, नियरली 10^6 टाइम्स हो गया, वो 10^7 है 10^14, तो 10^7 टाइम्स हो गया, मतलब मिलियन टाइम्स हो रहा है, 10 मिलियन टाइम्स हो रहा है, समझ आ रहा है।
इसका क्या मतलब है, ये भी एक सवाल आ सकता है इस पैराग्राफ से बनके कि भाई क्यों केमिकल सोर्स लो, एक किलोग्राम कोयला लिया और एक किलोग्राम यूरेनियम लिया, तो कितने टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिलेगी? नियरली मेगा टाइम्स, नियरली 10^6 टाइम्स। क्यों? उसका रीजन कि केमिकल सोर्स, सॉरी कोल और पेट्रोलियम जो नेचुरल सोर्सेज है उनमें एनर्जी रिलीज होती है भाई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से अगर एनर्जी रिलीज होगी तो केमिकल कंपाउंड में फेरबदल होगा, न्यूक्लियस में फेरबदल नहीं होगा। अगर केवल केमिकल कंपाउंड में फेरबदल हुआ है, न्यूक्लियस में फेरबदल नहीं हुआ है, इसका यह मतलब है कि केवल केमिकल बाइंडिंग एनर्जीज इन्वॉल्व होगी और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रीजन की होती है, तो एनर्जी रिलीज जो होगी विद डिफरेंस, पहले एनर्जी थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अब एनर्जी हो रही है मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है पर एटम, जबकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है यूरेनियम वाली जो हम पढ़ेंगे आगे, तो उनमें ना न्यूक्लियस ही चेंज हो जाएगा, यूरेनियम बेरियम बना देगा, क्रिप्टन बना देगा, अलग ही बना देगा, तो न्यूक्लियस चेंज होगा तो वहां पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इन्वॉल्व होगी। पहले थी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रिलीज कितनी हो रही है पर न्यूक्लियन? 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो डिफरेंस है, तो मेगा टाइम्स अपने आप ही ये हो गया। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन बना के लिखो, मैं बोलता हूं उसके बाद हम फिजन को कंटिन्यू करेंगे, वही लिख लो अपनी कॉपी में जहां भी ये काम चल रहे। कंपेयर द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक कोल और पेट्रोलियम with that from the same quantity of nuclear sources, with that from the same quantity of nuclear sources like uranium, same quantity of nuclear sources like uranium। इसका आंसर आप अपने आप लिखेंगे, मैंने आपको पढ़ा दिया कहाँ है, समझा भी दिया कैसे, लिख पाओगे कि नहीं बताओ? ठीक है, अपने चाहो तो इस क्वेश्चन के साथ बुक से देख के पेज नंबर लिख लो, मेरी बुक में 451 है, वहां से आपको ये कंपेयर करना है। एक्सप्लेन कर दोगे ढंग से? कोल एंड पेट्रोलियम में केमिकल रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियस में फर्क नहीं पड़ता है, केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे, जिनसे चेंज आएगा तो केवल केमिकल बाइंडिंग एनर्जी में चेंज आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रीजन की होती है, तो एनर्जी रिलीज पर एटम भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रीजन की होगी। न्यूक्लियर प्रोसेसेस में न्यूक्लियस चेंज हो जाता है, तो वहां पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इन्वॉल्व होगी, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किस रेंज की होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज आएगा तो एनर्जी 10^6 टाइम्स ज्यादा रिलीज हो रही है उससे। ये याद रखने की जरूरत नहीं कि एक किलोग्राम कोयला लिया और एक किलोग्राम यूरेनियम लिया तो कितनी कितनी एनर्जी, इतना भी याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम कंपेरिजन तो करना आ ही गए। पहले आप ये बताओ क्या यहां तक समझ आ गया? न्यूक्लियाई में अभी एक दो क्लासेज और लगेंगी, फीजन और फ्यूजन, एंड देन उसके बाद हम लेके चलेंगे एक्सरे। ठीक है भाई, अब हम थोड़ी देर में अगला पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं।